वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे डिस्कार्ड और रिमूव मेथड के बारे में, ठीक है। तो मेरे पास में एक सेट है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि मुझे सेट वन में से ये सिक्स वैल्यू को रिमूव करना है, तो मैं लिख दूंगा रिमूव, ठीक है। और यहाँ पास कर देंगे सिक्स, क्योंकि सिक्स को हमें रिमूव करना है। इसके बाद में अगर हम सेट वन को प्रिंट करें, ठीक है, तो आप यहाँ देख लेंगे सारे एलिमेंट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, जस्ट हमारा सिक्स नहीं है, यानी सिक्स को हमने रिमूव कर दिया। अच्छा, ऑन अदर हैंड अगर हम इस रिमूव की जगह पे डिस्कार्ड यूज़ करें, सेट वन डॉट डिस्कार्ड, ठीक है, यहाँ पे सिक्स पास करें और फिर हम सेट वन को प्रिंट करें, तो अब देखेंगे हमारा आंसर एग्जैक्ट सेम है अभी भी, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो फिर डिस्कार्ड और रिमूव में क्या फ़र्क है, तो अब डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, डिफरेंस क्या है और कहाँ हमें कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। लेट्स से हमारे सेट के अंदर यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू हमें रिमूव करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा सेट वन डॉट रिमूव 55, लेकिन 55 तो हमारा एग्जिस्ट करता ही नहीं है सेट के अंदर, ठीक है। तो अगर इसे हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं और इसे रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एरर आ गई, ठीक है, की एरर आ गई, 55 तो है ही नहीं, हम रिमूव क्यों कर रहे हैं उसे। लेकिन अगर सेम जगह पे हम डिस्कार्ड यूज़ करते, ठीक है, और 55 को रिमूव करते, तो हमारा जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता, कोई भी एरर नहीं आती, ठीक है। तो इतने फ़र्क है रिमूव अगर हम करते हैं, और अगर वो जो एलिमेंट हम रिमूव कर रहे हैं अगर वो नहीं है हमारे पास में, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, हम उसे एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू कैच कर सकते हैं, ठीक है। अभी वो टॉपिक हमने पढ़ा नहीं, आगे जाके देखेंगे। या फिर हम चेक कर सकते हैं कि इफ़ हमारा एलिमेंट है सेट के अंदर तभी हम रिमूव करें, लेकिन डिस्कार्ड में क्या है कि अगर वो है तो रिमूव कर देगा, अगर वो नहीं है तो हमारी एरर नहीं आएगी, ठीक है, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएगा। सो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।